तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैं शिवराज बीच पे था, आज भी मैं शिवराज बीच पे हूँ और मैं यहाँ पे अपने एनडी फिल्टर से ट्राई कर रहा हूँ कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, कुछ लॉन्ग एक्सपोजर अमेजिंग शॉट्स, क्योंकि रॉक्स भी हैं, पानी भी है, प्लस काफी अच्छा ग्रीन जो आपकी काई है वो भी है, तो कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेम्स मिले हैं। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना एनडी फिल्टर जब आप ट्राई करते हैं ना, तो आप कैसे अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, कैसे आप कॉम्पोजिशन को प्लान कर सकते हैं, कैसे आपको ट्राईपॉड हैंडल करना है, कैसे आपको एक्सपोजर को कैलकुलेट करना है कि आपको कितने स्टॉप देना है या कितनी सेटिंग्स देनी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो डायरेक्टली। सो आई रियली लाइक दिस कॉम्पोजिशन। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अपने कैमरा के ऊपर, तो यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे रॉक है और ये आपका वॉच टावर भी आ रहा है, जो आपका वॉच टावर है वो भी आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आपके ये वाले रॉक भी आ रहे हैं। तो मैं अपना एनडी यूज़ करूँगा, स्क्वायर एनडी यूज़ करूँगा, एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मैं काफ़ी ट्रिकी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये बिल्कुल पीछे जाता ही पानी के अंदर हूँ मैं, तो मेरे को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने कैमरा को भी, क्योंकि कैमरा भी मेरा एच पे लगा हुआ है। सो लेट मी टेक आउट माय फिल्टर एंड 10 स्टॉप और 20 स्टॉप दो है मेरे पास, आई विल गो विद 10 स्टॉप्स। 10 स्टॉप ज़्यादा बेटर है इस वक्त, क्योंकि 20 स्टॉप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे देगा मेरे को जो मेरे को नहीं चाहिए। सो पहले मैं अपने एनडी फिल्टर को क्लीन कर लूँ, एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको लेना है एक नॉर्मल एक्सपोजर, जिसकी वजह से आप अपना विद एनडी आप कैलकुलेट करोगे कि आप कितना हाई एक्सपोजर दे सकते हो। तो अभी भी मेरा जो शॉट है वो लिटिल टिल्टेड, तो अगर मैं अपना एक्सपोजर लूँ वन अपॉन थ्री, तो 1/3 में मेरा शॉट आ रहा है ये, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि मेरा स्काई जो है मेन जो प्रॉब्लम है ना वो स्काई के साथ है, स्काई ओवर एक्सपोज नहीं जाना चाहिए। तो मैं 2 सेकंड पर जाता हूँ, एक बार 2 सेकंड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा एक्चुअली, तो आई विल गो विद 1/6। तो 1/6 पे भी सही आ रहा है मेरा शॉट, और मेरा शॉट 1/3 पे भी ठीक आ रहा है। तो मैं एक बार अब एक्सपोजर चार्ट देखते हैं, आप अपना मोबाइल खोलिए या फिर आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं एनडी स्टॉप का चार्ट, एंड मेरे पास ये ऐप है DSLR टूल्स करके, जिसके अंदर आपको लॉन्ग एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखता है, लॉन्ग एक्सप्लोर पे क्लिक करिए एंड आप अपना एनडी स्टॉप डालिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ एनडी 10 स्टॉप्स ऑब्वियसली, और मेरी जो शटर स्पीड जा रही है वो जा रही है 1/6 या 1/3 पे, अगर मैंने जो शॉट लिया था 1/4 कर देते हैं, 1/4 वाला ठीक था। तो मैं यहाँ पे अपनी शटर स्पीड डालूंगा 1/4, तो 1/4, एंड नाउ ये मेरे को बता रहा है कि 4 मिनट 16 सेकंड का मेरा एक्सपोजर आएगा, लाइक जो मेरा लॉन्ग एक्सपोजर आएगा, बट आई डोंट वांट 4 मिनट 16 सेकंड, आई वांट बिकॉज क्लाउड नहीं है एंड जो आपका पानी है वो वैसे भी 30 सेकंड में ही वो हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे शटर स्पीड्स को चेंज करूँगा और मैं देखूँगा कि कब मेरे को 30 सेकंड का एक्सपोजर मिल रहा है। तो 1/50 पे जब मैं जा रहा हूँ तो 20.5 सेकंड्स मिल रहा है, एंड 1/50, तो 1/30 पे अगर मैं आऊँ तो 34 सेकंड मिल रहा है। तो आई थिंक मेरे को शटर स्पीड 1/30 पे अगर जब मैं आऊँगा ना, जब मेरी एक्चुअल विदाउट एनडी फिल्टर जब मेरी शटर स्पीड 1/30 आ रही होगी, तब उस वक्त एनडी 10 स्टॉप के साथ जो मेरा एक्सपोजर है वो 34 सेकंड के करीब जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 30 सेकंड। सो व्हाट आई विल डू, अब मैं अपनी शटर स्पीड को इंटेंशनली 1/30 पे लेके आऊँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं अपनी एक्सपोजर को जो शटर स्पीड है उसको करूँगा 1/30। अब आप देखें तो मेरा शॉट बिल्कुल डार्क जा रहा है। नाउ आई विल डिक्रीज माय अपर्चर टू गेट द डिटेल्स, एंड आई थिंक F11 इज़ माई बेस्ट अपर्चर जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है। अभी भी मेरा शॉट जो है वो डार्क जा रहा है। नाउ आई विल इंक्रीज द ISO टू गेट द डिटेल, तो 100 ISO पे आई थिंक मेरे को एक परफेक्ट लाइट मिल रही है, बट आई थिंक 1/125 पे जाते हैं, येस 1/125 पे आ रहा है। नाउ आई विल टेक अ टेस्ट शॉट, और ये है मेरा टेस्ट शॉट। तो मेरा टेस्ट शॉट काफ़ी सही आया 1/30 F11 पे, मेरे को जो लाइट चाहिए थी वही लाइट आई है। देन नाउ माय कॉम्पोजिशन इज परफेक्ट फॉर 30 सेकंड, तो मैं अपना एक्सपोजर कर दूंगा अब 30 सेकंड। सबसे पहले अपना एनडी फिल्टर लगाने से पहले आप फोकस करिए और फोकस को कर दीजिए मैनुअल, बिकॉज एनडी फिल्टर लगाने के बाद आपका जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो मैं फोकस करूंगा एंड इसको कर दूंगा मैनुअल फोकस, डन। अब आप एक्सपोजर कर दीजिए 30 सेकंड, क्योंकि आपका एनडी फिल्टर पर 30 सेकंड का एक्सपोजर आया था। सो आई विल गो विद 25 सेकंड। अब मैं अपना एनडी फिल्टर उठाऊंगा, एनडी फिल्टर को दोबारा साफ करूंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर में क्या होता है कि हल्का सा डॉट भी जो होगा ना आपका, छोटे से छोटा डॉट आपका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। एंड मैं अपने एनडी फिल्टर को अपने इस हुड पे, जो स्क्वायर फिल्टर का हुड है उस पे लगाऊंगा। आई एम यूजिंग निसी फिल्टर्स, निसी नैनो IR 100 10 स्टॉप्स, एंड यहाँ पे मैं अपना एनडी फिल्टर लगाऊंगा
बी केयरफुल कि आप फोकस ना हिलाएं और बी केयरफुल कि आपका कैमरा भी ना हिले. या इट्स फाइन. नाउ लेट मी टेक अ एक्सपोजर, नाउ लेट मी टेक अ शॉट एंड टाइमर पे. अगेन टाइमर पे आपको शॉट लेना है. सो नाउ शॉट द कंप्लीटेड. अब देखें हम अपना रिजल्ट जो आया है, तो रिजल्ट आया ये, और आप देखेंगे पानी काफ़ी स्मूथ है, पानी बहुत अच्छा स्मूथ आया है. आपको वॉच टावर भी आया है, वॉच टावर की हल्की सी रिफ्लेक्शन भी आई है, और जो आपकी सनलाइट आ रही है ना, ये जो सनलाइट है ये आपकी इस तरफ से आ रही है, वो आपके आपके पत्थरों के ऊपर बहुत अच्छी पड़ी है. नाउ इस लाइट के लिए ना, आप अगर इस जगह पे कहीं पे भी कंपोज करेंगे, कहीं पे भी कंपोज करिए, आपका टेंट स्टॉप के साथ यही सेटिंग्स आएगी, क्योंकि यही लाइट है. अभी लाइट बहुत डिम है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो एक्सपोजर है वो चेंज होगा. लेकिन अभी अगर मैं बात करूं आधे घंटे तक, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो आपका 8 o'clock तक आपको यही लाइट मिलेगी. यू क्लिक एनीथिंग हियर, आपका पूरी कॉम्पोजिशन में आपको यही एक्सपोजर मिलेगा, यही सेटिंग्स रहेंगी आपकी, और आप ND लगा के आप शूट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यू नो कैलकुलेट योर ND शॉट्स, एंड दैट्स वाई द ND फिल्टर्स आर रियली गुड. तो चलिए कुछ और शॉट्स ट्राई करते हैं, कुछ और कॉम्पोजिशन ट्राई करते हैं, एंड आई विल शो यू इन द वीडियो. तो अब ये लास्ट पॉट मेरे को दिखा है, काफ़ी अच्छा है. अगर आप देखें तो पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, जो पत्थर रखे ना उनका. प्लस यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको काई दिख रही है, सो आई एम श्योर. एंड लाइट काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखें शेडोज काफ़ी अच्छी बन रही है. सन यहाँ से आ रहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल राइट साइड से, तो आपकी शेडोज भी काफ़ी अच्छी है. वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा रहा, कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है, ब्लू, हल्का ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, प्लस ग्रीन, सैप ग्रीन एकदम, एंड डार्क अर्थ टोन्स एकदम से. तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपकी बहुत अच्छी बनेगी. प्लस आई एम लुकिंग फॉर सम रॉक्स, पानी उनसे टकरा रहा है, तो वहाँ पे अगर मैं लॉन्ग एक्सप्लोर लूँगा तो बहुत अच्छा शॉट आएगा. तो मैं यहाँ पे दो शॉट लूँगा, एक शॉट मैं यहाँ का लूँगा और एक शॉट मैं वहाँ का लूँगा. यहाँ पे भी मैं लॉन्ग एक्सप्लोर ट्राई करूँगा, वहाँ पे भी करूँगा, एंड नॉर्मल भी ट्राई करूँगा. तो चलिए ट्राई करते हैं, देन आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट्स. तो आई होप आपको ये ND फिल्टर की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई हो, और आपको अब समझ आ गया होगा आपको कितना स्टॉप का ND फिल्टर लेना है, और कैसे आप जब ND फिल्टर लेते हैं तो आप अपना एक्सपोजर सेट कर सकते हैं. जब आप ट्राईपॉड पे अपने कैमरा को लगाते हैं, आप कैसे कॉम्पोजिशंस को ढूंढ सकते हैं, आप कैसे कॉम्पोजिशंस देख सकते हैं, और बीचेस के पास हैं तो आप ND फिल्टर्स को यूज़ करके कैसे अमेजिंग शॉट्स शूट कर सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ.